नमस्ते, मैं राहुल गोस्वामी। इस सेशन में आपको जो सोप मेकिंग है इसके जरूरी जो है वो एफडीए लाइसेंस, तो उस एफडीए लाइसेंस के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। ये बेसिक्स ऑफ सोप मेकिंग का एक सेशन है, और इस सेशन में हम जो एफडीए के रिगार्डिंग जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि एफडीए का जो रूल है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में आता है, जो 1940 में बना था। उसके बाद काफी सारे अमेंडमेंट्स उसमें आते गए, एंड उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स जो है जो 1945 में बनाया गया था, जो भारत देश में सभी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है और खास करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में, तो उन सबको रेगुलेशन करने का काम जो है ये इस एक्ट के अंदर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो कॉस्मेटिक्स है, ड्रग्स है, तो यानी दवाइयाँ वगैरह होती है, तो उन्हें मैनेज करने का काम जो है इस रूल के रिगार्डिंग किया जाता है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कॉस्मेटिक्स में कौन सी चीज़ें आती है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है, जो 1940 और रूल्स जो है 1945 के, तो उसके सेक्शन 3 जो है AAA, तो इसके अंडर कॉस्मेटिक्स की जो है एक डेफिनेशन दी गई है। तो उसके तहत ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे हम रब करते हैं अपनी स्किन पर या फिर उसको पॉर करते हैं, रब करना यानी जैसे सोप्स आते हैं, तो सोप्स हम जैसे घिसते हैं अपनी स्किन पर जो है, अपने शरीर पर जो है उसे घिसते हैं, तो उसे रबिंग कहा जाता है। तो या फिर पोरिंग, पोरिंग मतलब जैसे शैम्पू वगैरह चीज है जो हम बालों को लगाते हैं, तो उस समय हम शैम्पू जो है वो बालों में ऐड करते हैं, तो उन्हें पोर करते हैं। या फिर कैसे कोई चीज जो स्प्रिंकल की जाती है या स्प्रे की जाती है, जैसे परफ्यूम होते हैं या डीओ होते हैं, तो ऐसी सभी चीजें जो है ये कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आती है, और ऐसे सभी चीजों को जो है वो कॉस्मेटिक्स कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल जो है जो स्किन के क्लीनिंग के लिए है या उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए है या जो स्किन पर एक अट्रैक्टिवनेस आने के लिए प्रमोट की जाती है, तो ऐसे सभी चीजें जो है ये कॉस्मेटिक्स के अंदर आती है। तो इसलिए जैसे हम सोप्स का ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सोप्स का जो है या हैंडमेड सोप जो है ये एक हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या कॉस्मेटिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए जब हम कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन अगर करने जाते हैं तो ये सभी जो कमर्शियल लेवल पर जो है, तो इसके लिए हमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का जो है हमें एक्ट के अंदर लाइसेंसिंग देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका हमें ख्याल रखना है कि अगर आप कमर्शियल लेवल पर अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको एफडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर हम जैसे देखेंगे कि अब ये एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है हैंडमेड सोप्स जो है, तो इन्हें हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर हम मैन्युफैक्चर या उसका लाइसेंस ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप होममेड आप करना कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कमर्शियल मॉडल में अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर लाइसेंस लेना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे इसमें कई कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सोप मेकिंग है या अल्टरिंग है या फिनिशिंग उस पर लाना है या सोप का पैकिंग है, उसका लेबलिंग है या उसको अलग अलग एक रेडिएशन में उसको हमें ब्रेकअप करना है, तो ये सभी जो प्रोसेसेस है ये सब सारा जो चीज है, या फिर सेल्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये सभी चीजें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। और जब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी किसी भी चीज का हम करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके लिए जो सारी चीजें जो है, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन जो है, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का जो रूल है उसका 14 नंबर का जो रूल है उसमें अमेंडमेंट में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है। तो मैंने ऑलरेडी ऐप में जो है वो एफडीए रूल्स एंड रेगुलेशंस के डिटेल्स जो है वो मैंने शेयर किए हैं आपको। जैसे आप होम स्क्रीन पर आप जाते हो तो वहां पर आपको टॉप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स मतलब 3 जो लाइन्स है उस पर ऑप्शंस में क्लिक करना है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाओगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन जो सेक्शन है तो उसमें एफडीए रूल्स एंड रेगुलेशन इसकी सारी डिटेल्स जो है वो दी गई है। तो आप उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आप एक बार अच्छे से आप गो थ्रू करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जो है वो मिल पाएगी। इस सेशन में हम आपको जो है उसमें क्या क्या चीजें है इन्वॉल्व की गई है, तो वो मेन मेन सेक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 एंड रूल्स 1945 जो है इन इंडिया, तो उसको आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी लाइसेंस के लिए तो उसके लिए जो बेसिक जरूरी चीजें होती है तो उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो
तो आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइसेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट लाइसेंस होता है एंड सेकेंड होता है सेंट्रल लाइसेंस होता है। स्टेट लाइसेंस मतलब आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसको स्टेट में ही आप अपने अपने राज्य में ही आप अगर उसे बेचने वाले हो या उसका मार्केटिंग करने वाले हो तो उसके लिए जरूरी होता है स्टेट लाइसेंस। लेकिन जैसे ही आप अपने राज्य की जो है वो सीमा आप क्रॉस करके आप अलग अलग स्टेट्स में आपका बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना चाहते हो तो भारत के अलग अलग राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी जगह पर आप अगर आपके प्रोडक्ट का जो है वो सेल करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो स्टेट लाइसेंस ये स्टेट गवर्नमेंट देता है, जो FDA हर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होता है, हर जिला के जो जगह आता है वहाँ पर FDA का एक ऑफिस होता है, तो वहाँ पर आपको जाना है एंड वहाँ पर आपको FDA इंस्पेक्टर्स होते हैं जो आपको हर दिन जो है वहाँ पर मुलाकात कर सकते हो। तो वो सभी जो है वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आई थिंक कोई अलग अलग इंस्पेक्टर्स एज अ कोऑर्डिनेटर वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो सभी इसके लिए आपको जानकारी दे सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी जो एजेंट्स वगैरह होते हैं तो उनके माध्यम से भी आप इसके भी जानकारी जो है आप ले सकते हो। तो ये आपको हर जिला के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस वगैरह होता है तो वहीं पर FDA का भी ऑफिस होता है या फिर कुछ अलग जगह पर, लेकिन जिला के हर जिला के जो शहर होता है तो हर शहर में हर जिला के शहर में FDA का ऑफिस जो है वो रहता है। तो आप वहाँ पर संपर्क जो है FDA लाइसेंस निकालने के लिए आप कर सकते हो। स्टेट लाइसेंसिंग के लिए और गवर्नमेंट और सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए दोनों के लिए आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अगर आपको जैसे कोई ये लाइसेंस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है एक फॉर्म 31 होता है उसके वो आपको फिल करके आपको उसके लिए जो चार्जेस होते हैं जैसे गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं 3,500 रुपीज एंड एक इंस्पेक्शन चार्ज होता है 2,500 रुपीज, तो ये आपको जो है वो वहाँ पर पे करने होते हैं एंड उस लाइसेंसिंग के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। सेकेंडली आपको इसमें आपको जो आप जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हो मतलब जो भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे हम यहाँ पर सोप मेकिंग सीख रहे हैं तो सोप मेकिंग के लिए आपको ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो जरूरी क्लास है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सभी चीजें जो है आपको वहाँ पर लिखनी होती है। तो आपका प्रोडक्ट कौन से क्लास में आता है तो उसके लिए आपको जो मैंने ऑलरेडी जो है PDF फाइल्स में ये रूल्स जो है तो वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है ऐप में, तो आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको सभी इसकी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको जो है कुछ बहुत जरूरी होता है कि जो सोप लाइसेंसिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो अप्लाई कर रहा है तो वैसे दो पर्सन आपको बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है आपको जैसे इसमें जरूरी होता है कि जैसे शेड्यूल M2 जो है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जिसका एक डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो होना या उसका ग्रेजुएशन जो है वो केमिस्ट्री में होना बहुत जरूरी है। तो जो अप्लाई करने वाला पर्सन है जिसके नाम पर आप लाइसेंस निकाल रहे हो तो उनका जरूरी है कि वो इंटरमीडिएट एग्जाम जो होती है केमिस्ट्री में स्पेशली, तो वो एग्जाम वो पास किए मतलब BSc केमिस्ट्री या MSc केमिस्ट्री काइंड ऑफ जो है वो रिक्वायर्ड है, या फिर केमिकल इंजीनियर भी होना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियर कम से कम वहां पर होना बहुत जरूरी है जिनको इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लॉज के बारे में जानकारी हो, ऐसे पर्सन का होना जरूरी है जिनके नाम पर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक और पर्सन चाहिए जो डिप्लोमा इन फार्मेसी उन्होंने पास किया हो और जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर फार्मेसी एक्ट जो होता है 1948 का या फिर जो फार्मेसी एक्ट है तो उसके अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे दो पर्सन आपको जरूरी है जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है और जिनका फार्मेसी बैकग्राउंड है, तो ये दोनों पर्सन जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी है। आयुर्वेदिक में अगर हो तो BAMS या कम से कम डॉक्टर जो है वो वहां पर होना जरूरी है जिनके लिए आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो आप जो है डेवलप कर सकते हो। तो ऐसे ये दो पर्सन के माध्यम से ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कमर्शियल मोड में काम करना है। इसके साथ ही आपको कुछ ऐसी जानकारी होती है जैसे इक्विपमेंट कौन से आप यूज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर कौन सी है, कितना एरिया अवेलेबल है, कितना टेक्निकल कंपोनेंट आपका जो है पर्सन वहाँ पर कंपोनेंट ऑफ पर्सन अवेलेबल है, तो ऐसी सारी जो डिटेल्स है वो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपको जो है जो रिक्वायर्ड फीस है वो पे करके आपको गवर्नमेंट को इसके लिए FDA डिपार्टमेंट में आपको लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो लाइसेंस है आप जैसे लेते हो तो ये 3 साल 5 साल के लिए वगैरह मिलता है और उसके साथ ही आप इसका बाद में आप रिन्यूअल भी कर सकते हो। रिन्यूअल के लिए 1,000 रुपीज की फीस है
जिसे आप शेड्यूल M2 का जो फॉर्म है वो फिल करके आप रिन्यूअल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो लाइसेंस है, आप जो ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जब आपको पहली बार लाइसेंस मिल जाता है, तो उसके बाद आपको हर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पूरा होने के बाद आगे अगर आपको उसको पोस्टपोन करना है, आगे आपको लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना है, तो उसका आपको रिन्यू करना जरूरी होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको, आपका जो भी लाइसेंस है उसके लिए आपको पर्टिकुलर उतने जानकार व्यक्ति आपके यहाँ पर चाहिए, आपका प्रीमाइसेस वहाँ पर चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपका पूरा प्रॉपर जो है वो प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो पर्टिकुलर पर्सन से वैसे नहीं है, तो आपका लाइसेंस का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब सबसे पहले समझेंगे कि प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो एज पर FDA रूल जो है, आपको 1200 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंडर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो आपको वहाँ पर सेटअप करने होते हैं। जैसे आपको रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट चाहिए, एक स्टोरेज का डिपार्टमेंट चाहिए, एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, या आपके जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, तो हर एक प्रोडक्ट का आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो सेट करना होता है। और हर एक डिपार्टमेंट के लिए 10x10 की जगह जो है वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई, प्रॉपर सीमेंट कॉन्क्रीट का कंस्ट्रक्शन वाला जगह जो है वो चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपको एक पूरा फ्लोर प्लान जो है, जैसे आपका जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसके बाद डिलीवरी के लिए जो है, या स्टोरेज के लिए जो है, पार्किंग वगैरह सेक्शंस है, ये सभी चीजें जो है आपको उस फ्लोर प्लान में शो करनी होती है। और वो फ्लोर प्लान जो है आपको FDA इंस्पेक्टर के पास आपको उसे सबमिट करना होता है। जब आप अप्लाई करते हो तो उस एप्लीकेशन के साथ आपको ये फ्लोर प्लान भी जो है वो सबमिट करना होता है। तो इसके लिए ध्यान में रखें कि मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट होता है, प्रॉपर एयर हवा का, हवा वगैरह जो है वो आती जाती रहे, ऐसा प्रॉपर एक अच्छा सिक्योर्ड प्लेस जरूरी होता है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। उसके साथ ही वहाँ पर जैसे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो है वो जरूरी होते हैं, इसलिए आपको फायर लाइसेंस लेना होता है। आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपको जो लोकल अथॉरिटीज होती है, तो उसमें उनका आपको जो है गुमास्ता लाइसेंस वगैरह होता है, वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे सभी जो लाइसेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। आप जो वेइंग स्केल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड वेइंग स्केल का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ऐसे सभी चीजें जो है ये वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ ही आपको लेबोरेटरी का भी जरूरत होती है, कि जहाँ पर आप जो रॉ मटेरियल है उसका भी टेस्टिंग कर सके, उसके साथ ही साथ आप जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी टेस्टिंग के लिए आपको जगह चाहिए होती है। तो वो लैब भी आपका प्रॉपर वहाँ पर होना जरूरी है। तो उसके सिवा ये प्लान पास नहीं होता है और आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, और ये सभी चीजों का आपको सबसे पहले अरेंजमेंट करना होता है, उसके बाद आप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह जो है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ ट्रेनीज ने पूछते हैं कि जैसे लोकेशन जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में वगैरह चलेगा, तो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चलता है। तो उसके लिए आपको जो है ये प्रॉपर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लेस की जरूरत होती है, सो दैट कि वहाँ पर आप प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो कर सकते हो। तो और वहाँ पर जैसे ओपन सीवेज वगैरह है, या ड्रेन है, या पब्लिक लेबोरेटरी वगैरह है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये सारा चीज जो है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से आपका प्लेस जो है वो होना चाहिए। और जब इंस्पेक्टर्स आते हैं, तो वो यही सब चीजों का जो है वो पूरा मुआयना करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, सो दैट वो हर एक जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो जो चीजें मेंशन की है, वो सभी चीजें जो है वहां पर प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग एंड प्रीमाइसिस में जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर हाइजीन वहां पर होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस के लिए उतने जगह जैसे मैंने बताई वो होने चाहिए, वर्कर्स को एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, उनको ग्लोव्स वगैरह है, मास्क है, तो ये प्रॉपर उन्होंने यूज करना चाहिए। उसके बाद एक मैन्युफैक्चरिंग शीट होती है डेली बेसिस पर, या जब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई बैच आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस बैच के बारे में पूरी डिटेल जो है एक वर्कशीट होता है, वो उस वर्कशीट में आपको पूरी डिटेल्स जो है वो बैच के बारे में, उसे क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या चीजें उसमें ऐड की गई, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया गया, और कितना देर लगा वगैरह, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से रॉ मटेरियल यूज किए गए, और उसके बाद कितना फिनिश प्रोडक्ट जो है, कितना रॉ मटेरियल यूज किया गया, कितने क्वांटिटी में फिनिश प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है उस मैन्युफैक्चरिंग शीट में आनी चाहिए। एंड वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो वर्कर्स है उनको या सुपरवाइजर्स है उनको वो हर बार फील करनी होती है, और उस रिकॉर्ड को जो है उसे मेंटेन करना होता है। क्योंकि कभी अगर कुछ बैच में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाती है, तो उस डिफेक्ट को समझने के लिए ये रिकॉर्ड शीट जो है उसका
उसके थ्रू ये हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है तो उस मिस्टेक्स को करेक्शन करने के लिए, उस बैच को आइडेंटिफाई करने के लिए उस रिकॉर्ड शीट की जरूरत होती है। अब जैसे आपको जो भी प्रीमाइस है जहाँ पर आप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो डिजाइन है या कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, और इसमें किसी भी तरीके का जैसे इंसेक्ट्स वगैरह है, पेस्ट है या बर्ड्स वगैरह है या रोडेंट्स है, वो सब नहीं आना चाहिए। प्रॉपर पेस्ट कंट्रोलिंग वगैरह वो सब की चीजें जो है वो काफी जरूरी होती है, ताकि हाइजीन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके एंड वहां पर जो वर्कर्स है या फिर बाकी ह्यूमन एरर वगैरह जो है वो ह्यूमन एरर नहीं आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ताकि प्रोडक्ट जो बने वो काफी अच्छा प्रॉपर क्वालिटी का बने एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उन्हें मेंटेन किया जाए, तो इन सभी चीजों की वहां पर जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली वेस्ट तो जनरेट होता ही है, तो उसमें वो शायद लिक्विड वेस्ट हो सकता है या सॉलिड वेस्ट वगैरह हो सकता है, तो उसको आप किस तरीके से आप जो है मेंटेन कर रहे हो, तो उसके जो रूल रेगुलेशन है वो बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो है 1996 का एक्ट है, तो उसके अंदर इसकी सारी डिटेल दी गई है। तो उसमें आपको इस तरीके से आपका जो भी वेस्ट है वहां पर जनरेट हो रहा है तो उसको आपको प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है। उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी जो है वहां से परमिशन लेकर लोकल अथॉरिटी को उस वेस्ट के बारे में जानकारी देनी होती है, ताकि लोकल अथॉरिटीज जो है वो आपको सपोर्ट कर सके। एंड जैसे मास्क वगैरह है या हैंड ग्लोव वगैरह है, तो लोकल अथॉरिटीज जो है वो क्लीनिंग, जैसे घर में जो है नॉर्मली सिविल इसमें गाड़ी जो आती है कचरा उठाने के लिए, तो उसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी एक सेपरेट एक डिवीजन होता है लोकल अथॉरिटीज का, हर नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहां पर, तो वो जो है वो हर हफ्ते या हर कुछ दिनों में, हर 2-3 दिन में वो वेस्ट जो है वो उठाने के लिए एक सेपरेट अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, गाड़ी वगैरह अलग से होती है उसकी वेस्ट की, तो वो कलेक्शन के लिए आते हैं। तो उसका वो जो आपको जानकारी जो है आपको लोकल अथॉरिटीज को देना है। वेस्ट जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये हम कहीं भी कूड़े कचरे में या कहीं भी कूड़ेदान में हम नहीं फेंक सकते हैं, तो ये इसका बिल्कुल सावधानी रखें एंड वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो है आप लोकल अथॉरिटी का जो गाइडेंस है वो आप जरूर लें। इसके साथ ही आपको जो है जैसे जो भी आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका हेल्थ है, उनके क्लोथिंग है, उनके सैनिटाइजेशन है, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जो है वो जानकारी रखनी है। कोई अगर बीमार वगैरह है तो उन्हें काम पर ना बुलाए, और उसके साथ ही साथ उनकी जो एग्जामिनेशन है जैसे आई एग्जामिनेशन वगैरह होती है, तो प्रॉपर उनका वो एग्जामिनेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग स्टाफ जो है वो कहीं पे भी मतलब उनके कम्युनिकेशन में भी वगैरह अगर कुछ डिसीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको कभी भी काम पर ना भेजे। तो ये सभी चीजें जो है या सेंट्रल ड्रग्स जो स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स रेगुलेशन में सभी मेंशनड है, और आपको ये सभी रूल रेगुलेशन का आपको फॉलो करना है। अब अगर इन रूल्स रेगुलेशन जो है वो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए काफी एक फाइन होता है जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जो सेक्शन सेक्शन 26 है से, और वहां से लेके सेक्शन 29 तक जो है एक्ट में, तो उसके बारे में ये सारी जानकारी दी है। अगर आप उसके बारे में जो डिटेल्स है जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरर का नाम बताते नहीं है या प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल आप नहीं लिखते हैं लेबल पे वगैरह भी है, या आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं ये करते हैं, तो उस केस में भी आपको फाइन जो है वो लग सकता है। उसके साथ साथ आपको जैसे कोई भी अगर इंस्पेक्शन जब होता है तो उसमें अगर आप कुछ इररेगुलरिटी अगर नजर आती है, जैसे कोई वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर कपड़े वगैरह जो है सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसका प्रॉपर यूजेस नहीं हो रहा है, या कोई लोकल अथॉरिटीज के लाइसेंसेस वगैरह है वो सब लाइसेंसेस नहीं लिए गए हैं, या उतने क्वालिटी के मशीनरीज नहीं इस्तेमाल किए गए हैं, तो इस केस में जो है 5,000 रुपीज तक का फाइन जो है वो लग सकता है, या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या दोनों भी आपको लग सकते हैं। तो इसीलिए आपको लाइसेंस निकालते समय या लाइसेंस निकालने के बाद भी जो है आपको बहुत ख्याल रखना है और रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है। आप अगर आपका जो प्रोडक्ट है आपको उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है, और साथ ही साथ में जो है आपको फॉर्म 10 जो है वो हैंडमेड सोप्स के लिए वो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, तो ताकि उसके माध्यम से आप जो है प्रोडक्ट को जो है आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है।
इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर इंडिया में बना रहे हो, भारत में बना रहे हो और आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए एक और लाइसेंसिंग होती है जिसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं, GMP सर्टिफिकेशन होता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेना होता है। उसके बाद फ्री सेल सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो प्राप्त करना होता है। उसके साथ ही आपको जो है लेबलिंग जो है कॉस्मेटिक्स का वगैरह, तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको सारा लेबलिंग वगैरह जो है वो आपको प्लान अप करना होता है। और लेबलिंग के लिए जो है ये स्पेशली एक रूल नंबर 148 है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको सारी डिटेल्स जो है इसमें किस तरीके से एक्सपोर्ट्स के लिए लेबल बनाया जाए, तो वो सभी डिटेल्स जो है उस 148 रूल नंबर में सारी मेंशन की हुई है। और आपको उस 148 रूल के अकॉर्डिंगली आपको सारा प्रोसेस जो है वो फुलफिल करना है, तो आपको इस बारे में पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है। तो इन सभी चीजों को अगर कंक्लूड करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर आपको जो है लोकल अथॉरिटीज से लेकर आपको सेंट्रल तक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको सर्टिफिकेशंस अलग अलग लेवल पे सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, प्रॉपर मैन पावर जो है उसकी जरूरत होती है, और प्रॉपर ये जो मैन पावर भी जो है वो प्रॉपर जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसको प्रॉपर उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंडस्ट्री में काम करने का। उसके साथ साथ ही आपको वर्क एरिया जो है वो भी फिक्स करना होता है, जैसे स्टेट में अगर काम करना है तो आपको स्टेट लाइसेंस की जरूरत होती है, अगर पूरे देश में काम करना है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होती है, प्रॉपर आपके लेबोरेटरी सेटअप होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके होने चाहिए। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि जैसे रॉ मटेरियल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, आपका फिनिश गुड के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एरिया जो है वो असाइन होना चाहिए, और हर एक जो विभाग है तो उसके लिए हर एक चीज के लिए आपको 10 बाय 10 का जो है प्रॉपर 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो पर्टिकुलर इसमें होना चाहिए, और पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका वो मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अगर लाइसेंसिंग में जाना है, आपको अगर बड़ा कमर्शियल लेवल पर काम करना है, तो आपका ये पूरा सेटअप जो है वो उस तरीके से प्रॉपर आपको करना होगा। और मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आप कमर्शियल मोड में जा रहे हो तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा ख्याल रखें, प्रॉपर आप एक्सपर्ट्स की जो है मदद लें, काफी सारे जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं आप उनकी मदद लें, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज वगैरह होते हैं उनकी मदद लें, आप FDA के ऑफिस में जाए, FDA इंस्पेक्टर से बात करें, उनका सहयोग लें, अलग अलग जो एजेंसी होती है वो एजेंसी भी थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है आप की मदद ले, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप कमर्शियल मोड में आप प्रॉपर बिजनेस कीजिए। एंड सर्टिफिकेशन लेने के बाद, लाइसेंसिंग लेने के बाद भी काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, रेगुलर बेसिस पर जो फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर्स होते हैं तो उनके जो है वो विजिट्स होते रहते हैं प्लांट पर, तो हर एक बार आपका जो है काम जो है एज पर रूल होना चाहिए, एंड प्रॉपरली अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको काफी सारा सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी आप रिस्पेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट से भी आपको काफी सारा सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो इनके बारे में आपको और डिटेल जानकारी के लिए आप हर एक जिला में जो है, जिला का जो शहर होता है तो उस शहर में FDA का ऑफिस बिल्कुल रहता है, तो वहां पर जाकर आप जो रिस्पेक्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑफिसर्स होते हैं तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे आप जानकारी लीजिए, एंड प्रॉपरली अलग अलग काफी सारी किताबें वगैरह होती है जो लॉज की किताबें वगैरह है, तो ये सभी किताबें जो है ये आपको वहां पर मिलती है, तो आप उन्हें खरीद कर और प्रॉपर जो है जैसे मैंने बताया कि फार्मासिस्ट वगैरह जो है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो केमिकल इंजीनियर्स है या केमिकल बेस केमिकल के थ्रू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है, तो ऐसे सभी जानकार व्यक्तियों को साथ में लेकर, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह है तो ऐसे सभी जानकार व्यक्तियों को साथ में लेकर आप इस पूरे प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाए, बिल्कुल प्रॉपरली आप हर एक चीज का रूल एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करें, और जिसका आपको बैड बिल्कुल भी फायदा होगा, क्योंकि जब बड़े ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, बड़े लेवल पर जब कंपनीज वगैरह होते हैं या जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, होटल चेन्स होती है या फिर अलग अलग जो एक रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे जब बड़े ब्रांड्स जो होते हैं तो वो जब साथ में काम करते हैं तो इनका रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ा होता है, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं या स्टॉकिस्ट होते हैं, तो इन्हें जो है ये प्रॉपर लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उनको भी जो है वो प्रॉपर लाइसेंसिंग फॉलो करने होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब आप प्रॉपर सभी लाइसेंसिंग के साथ काम करते हैं तो आपको बड़े ऑर्डर्स जो है वो डेफिनेटली मिलते हैं, इवन आपको एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी बड़े ऑर्डर्स जो है वो मिलते रहते हैं, तो
जो इंडियन एम्बेसी है, आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी आपको जो है अगर आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो इंडियन एम्बेसी भी आपको काफी सारी हेल्प करते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है मुंबई में, तो वहां पर काफी सारे एक्टिविटीज जो है, सेमिनार्स है, शोज वगैरह ये होते रहते हैं ताकि आपको एक्सपोर्ट्स के लिए जो है वो हेल्प की जाए। तो आप डेफिनेटली आप इंडियन एम्बेसीज वगैरह है वहां पर भी आप विजिट कीजिए, या फिर जो एक्सपोर्टर्स होते हैं तो आप उनके साथ भी आप मिलकर काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके पहचान में एक्सपोर्टर्स है तो आप उनसे मदद लीजिए ताकि वो भी आपको काफी सारा हेल्प जो है वो करते रहते हैं। एंड WTC जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे है, तो गवर्नमेंट के थ्रू काफी सारे एक्टिविटीज एंड जो एक शोज वगैरह होते हैं काफी सारे, तो वो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करते रहती है। तो ऐसे एक्टिविटीज में, ऐसे शोज में आप डेफिनेटली जाइए ताकि आपको वहां पर जो है अलग अलग एम्बेसीज के थ्रू जो है, अलग अलग देशों के एम्बेसीज है तो वो आपको वहां पर हेल्प करते हैं और उनके थ्रू काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो सपोर्ट भी करते हैं, जैसे इंटरनेशनली अगर आपको किसी कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहां पर कुछ डिमांड जो है, वहां पर जो बायर्स है या सप्लायर्स है तो उनको खोजने के लिए भी वो मदद करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका, आपका प्रोडक्ट जो है वो भारत से आप अलग अलग देशों में जो है आप डेफिनेटली एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जैसे अपने भारत के जो इतने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे GMP है, FTA वगैरह रूल्स है, तो ये सभी लाइसेंसिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके इनको फुलफिल किए बिना आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इन लाइसेंसिंग को प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाएं और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट के लिए जो है आप आगे का स्टेप्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कुछ चीजें आपको समझ आए, इसे बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक इंट्रोडक्टरी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको जो मैंने ऑलरेडी FTA का जो PDFs है, अलग अलग लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। लेकिन मैं सबसे कन्विंस करना चाहूँ, सबको कहना चाहूंगा कि आपको अगर लाइसेंसिंग में जाना है तो आप लोकल अथॉरिटीज में, हर जिला के जो FTA ऑफिसर्स होते हैं तो वहां पर आप विजिट कीजिए और वहां पर जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं तो आप उनको जाके मिलिए, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं आप उनको जाके मिलिए, वहां पर आप प्रॉपरली जो है इसके बारे में और डिटेल जानकारी लिया, या फिर थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है उनको जाके मिली, तो सो दैट कि आपका प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो और आपको आगे प्रोग्रेस जो है आप इजीली कर सकते हो। जो भी आप लाइसेंस निकालना चाहते हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर इसके बारे में और कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी तो इस सेशन के आप रिगार्डिंग आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।